हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। और कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे थे? डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज। तो वो जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा इंट्रोडक्शन में था, ठीक है। और उसमें मैंने थोड़ा सा प्रेजुडाइज का आपको ग्लिम्स दे दिया कि क्या होता है, बट मैंने आपको उसको एकदम डेफिनेशन के साथ प्रॉपर वे में नहीं समझाया। तो ये वीडियो जो है उसका कंटिन्यूएशन भी मान सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में वो हेडलाइन के अंडर में ही इंट्रोडक्शन भी दिया है और ये जो मैं आज समझाने वाली वो दिया है। इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो को एज इंट्रोडक्शन रखा, बट इसमें इस टॉपिक के रिलेटेड भी है क्योंकि वो उसी में मर्ज कर दिया गया है। आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख जाएगी, तो आप देखिए पहले, फिर हम करते हैं इस चैप्टर में मूव। चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस जो क्रिएट हो जाते हैं जब हम लोगों को स्ट्रेंज मानते हैं, उनसे हम कनेक्ट नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, तो उन डिफरेंसेस से हम कैसे प्रेजुडाइज फॉर्म करते हैं ना, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे और आई गेस ये एग्जाम्पल बहुत ही क्लियर कट आपको ये बता देगा कि यही एनसीईआरटी की सबसे अच्छी बात होती है, वो आपको एग्जाम्पल्स ऐसे देते हैं कि आपको तुरंत क्लियर हो जाता है। तो इस एग्जाम्पल से आपको दुनिया, आपको ये जिंदगी भर तक याद रहेगा कि क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं एग्जाम्पल में क्या है। तो अब मैं रूरल और अर्बन पीपल के बारे में हम क्या सोचते हैं, हम लोग भी इसलिए काउंट करें कि कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स में से हम भी कभी कभी वो चीज़ सोचते ही हैं। तो हम सब जो पॉपुलेशन रह रही है, और कोई फॉरेनर भी आ रहा है, कोई भी हो जो इतना क्लोजली किसी इंसान को नहीं जानता है और फिर भी वो उनके लिए सोच लेता है कि चलो ये यहाँ रह रहे तो ये ऐसे हैं, तो ये उसी का केस है, ठीक है। तो सबसे पहले रूरल पीपल के लिए लोग, अधिकतर लोग क्या सोचते हैं वो ये देखते हैं, लोग क्या सोचेंगे आज हम वो पढ़ेंगे। तो लोग ये सोचते हैं कि 50% जो इंडियंस हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सारे 50% इंडियन पॉपुलेशन विलेज में ही रहते हैं। सबको लगता है कि यार मूवीज में भी पहले ऐसे डिपिक्ट किया जाता था कि गरीब हैं, 50% इंडियंस जो है गांव में ही हैं, तो ये गलत चीज़ है। पहले तो विलेज में रहने वाला कोई गरीब नहीं है, सबसे पहली बात तो सभी कोई, हर आपको सिटी में रहने वाले भी मिलेंगे हर जगह, गरीब अमीर, गरीब अमीर का रेशियो कुछ लगभग सिमिलर ही, ऐसे ज़्यादा कम कहीं नहीं है, ओके। तो पहले ये मैं क्लियर कर देती हूँ, 50% इंडियंस जो ऐसा कहते हैं लोग कि विलेज में रहते हैं, ठीक है, चलिए, दे डू नॉट केयर अबाउट हेल्थ। उनको ऐसा लगता है कि विलेजर्स जो है अपनी हेल्थ को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, उनको प्रॉपर जो हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिलती और अपने हेल्थ को लेके सीरियस नहीं है, ठीक है, ओके। थर्ड, दे आर बैकवर्ड एंड दे डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। उनको लगता है कि सारे जो पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, वो आज भी जो है एकदम ही प्रिमिटिव मेथड्स यूज कर रहे हैं, मतलब जो थोड़े से लेबर ये सब मैनुअल वर्क इसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन देखो ये चीज भी है कि भलाई किन किन फार्मर्स के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। अब मैं इन पॉइंट के साथ अपने ओपिनियंस भी रखती जा रही हूँ, ठीक है, जो मुझे लगता है। अब आप भी अपने ओपिनियंस रख सकते हैं कि आपको क्या लगता है, बहुत ही एकदम कैजुअली आप लिख सकते हैं, कोई ऐसे एकदम सीरियस माहौल नहीं है यहाँ पे। तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि हमारी इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और हमारे एग्रीकल्चर एज अ मेन प्रोफेशन है यहाँ पे, बहुत सारे इंडियंस इस प्रोफेशन में घुस रहे हैं, तो ऐसा इसकी पढ़ाई भी होती है। तो आज जो है बहुत सारे स्टेट्स जो कि सिर्फ कह सकते हैं जिनका एग्रीकल्चरल रेट बहुत ज़्यादा है, जैसे पंजाब हो गए, वहाँ पे तो एग्रीकल्चर बहुत की जाती है प्रैक्टिस, एग्जांपल दे रही पंजाब का, तो वहाँ पे आपको लगता है ऐसा हो सकता है कि उनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये कि हमें थोड़ी कम नॉलेज है और हमें जितनी नॉलेज है हम उसी के बेसिस पे सबको देख रहे हैं कि सारे फार्मर्स ही जो है जो विलेज में रह रहे हैं उनके पास इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग सिर्फ एग्रीकल्चर की पढ़ाई इसीलिए भी करते हैं ताकि वो बेटरमेंट जो है एक सोसाइटी के टूवर्ड्स एक जो है कह सकते हैं एक डेवलपमेंट ला सके, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर में अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो हम ला सकते हैं, उसकी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि इसको ऐसे मानने की ज़रूरत नहीं कि कुछ फार्मर्स को इन सब चीज़ों का एक्सेस नहीं होता, बहुत जगह नहीं होता क्योंकि उनके पास तब रिसोर्सेज और पैसे नहीं होते, लेकिन जहाँ हो रहा है हमें वो साइड भी देखना है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव को साथ लेके चलिए, एवरी कॉइन हैज टू साइड, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज इन प्लांटेशन एंड हार्वेस्टिंग सीजन दे डू लेबर ये वर्क, कैसे कि 12 से 14 घंटे वो फील्ड में रहते हैं। तो ये बात है कि इनमें से कुछ बात है ना सच भी है कि मतलब जब हार्वेस्टिंग है कुछ ऐसा सीजन होगा, अब अगर उनके पास ऐसी कोई मशीन है जिससे उनका आधा काम कम हो रहा है तो वेल एंड गुड, उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बट जहाँ उनके पास सब अवेलेबल नहीं है चीज़ें, तब भी उनको मेहनत तो करनी है ना, वो कल के लिए थोड़ा ना छोड़ देंगे कि जब मशीन आएगी तभी हम निकालेंगे, तब तक वो तो उनकी फसल ही खराब हो जाएगी। तो तब लगते होंगे उनको 12-14 घंटे, मैं तो कहती हूँ उससे भी ज़्यादा लगते होंगे, तो पर उसमें क्या,
उसमें उनको जो अब वो लग रहा है उसका वो कुछ कर नहीं सकते। तो इसमें कुछ बातें आपको लगेगी नहीं सच भी है, कुछ बातें ऐसी कि जो लग रही कि ये रिडिकुलस है, ठीक है। अभी जो लास्ट पॉइंट इसमें ये भी है कि कुछ लोग विलेजेस से माइग्रेट इसलिए करते हैं, सिटीज़ में इसीलिए जाते हैं कि उनको विलेजेस में वो स्कोप नहीं मिलता, वो पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो वो लोग क्या काम के सिलसिले में जाते हैं और सिटी में आके सेटल होते हैं। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं सिटी में जो पहले शुरुआत में आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, फिर वो मेन सिटी में आना शुरू करते हैं। तो क्योंकि वो कुछ विलेज से ही आए होते हैं, तो वो भी बात सच है, वो मैं झूठ नहीं बोल रही कि वो माइग्रेट करते हैं, इसमें हर बात गलत नहीं लिखी है। लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ऐसा माना जाता है कि हर विलेजर्स ही ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ विलेज में रहने वाले लोग वहाँ बैठ के भी अपना जो है कैरी कर रहे हैं लाइफ को, अपनी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और कुछ विलेजर्स, मतलब ये कुछ कुछ की बातें हैं, तो हम सभी की बातें नहीं कर सकते, बस यही पॉइंट मेरा समझाने का मोटिव था, ठीक है। अब अर्बन पीपल के लिए क्या फॉर्म किया जाता है ऐसे दिमाग में कि लाइफ इन द सिटी इज ईजी? नो, इट्स नॉट ईजी। सो देन यू शुड वॉच लाइफ इन अ मेट्रो, उसमें आपको बहुत हसल दिखाएगा कि कैसे सब अपने 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 एक रोम कॉम मूवी है इसमें लाइफ इन अ मेट्रो में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों की कहानी सब एक साथ दिखाई गई है। ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि लाइफ इन सिटी इज नॉट ईजी, सिटी में ही नहीं कहीं भी लाइफ इज नॉट ईजी। पीपल आर स्पॉइल्ड एंड लेजी, ऐसा सिटी में माना जाता है कि पीपल आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। सो सी दिस अगेन, दिस क्वालिटी ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, ओके, इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन इंडिविजुअल कि वो कैसा है इंसान। स्पॉइल्ड एंड लेजी सारे लोग सिटी के नहीं हैं, क्योंकि अगर होते तो आज जैसे चीज़ें चल रही है, सब भाग दौड़ में निकल रहे हैं, ये मेट्रो पकड़ रहे हैं, कोई बस पकड़ रहे हैं, तो स्पॉइल्ड एंड लेजी थोड़ी ना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फैमिली स्पेंड लिटिल टाइम विथ ईच अदर, यहाँ की जो फैमिलीज हैं वो टाइम कम एक दूसरे के साथ बिताती है, तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि कई जगह ऐसा देखते भी हैं कि बिकॉज ड्यू टू द लाइफ स्टाइल बोथ द पेरेंट्स हैव टू वर्क नाउ, बिकॉज समटाइम्स नाउ सी वी लिव इन अ सोसाइटी, वी लिव इन अ जनरेशन जहाँ सब चीज़ें महंगी बना दी, अब पेरेंट्स हैव टू वर्क वेरी हार्ड, समटाइम ऐसी चीज़ें सर्कमस्टेंस क्रिएट होती है जब हमें उनके साथ टाइम नहीं मिलता। बट वी कैनॉट कम टू द कंक्लूजन दैट ईच एंड एवरी फैमिली यू नो डू नॉट स्पेंड टाइम विथ ईच अदर, ऐसा नहीं होता। और ये भी मानना गलत है कि यहाँ पे हर सिटी में हर एक फैमिली न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर मतलब सिर्फ घर में 3 या 4 लोग रह रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ जगह पे जॉइंट फैमिली में रहती है और कुछ कुछ जगह पे न्यूक्लियर फैमिली भी रहती है, और कहीं कहीं वो टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, बट ऐसा हर केस में नहीं होती, यहाँ के हर घरों में ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते भी तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लोग अलग अलग कमरों में हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दे केयर मोर अबाउट मनी नॉट पीपल, ये सिटी के लोग लिए अज्यूम करते हैं कि जो दिल है वो गांव के लोगों का बड़ा होता है, शहर के लोगों का नहीं। तो अगेन इट्स समथिंग डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल कि वो कैसे रहते हैं, बट बिकॉज जनरली सम पीपल कलेक्टिवली डू सच थिंग एंड यू नो दे बिहेव इन सच अ मैनर, तो दूसरे लोग सोचेंगे बिकॉज दीज पीपल यू नो लिव इन द सिटी और लिव इन दिस विलेज, तो पूरे विलेज या सिटी के बारे में ऐसा सोचते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिल्ली का ले लेती हूँ, अगेन इट्स नॉट समथिंग पर्सनल, जैसे ले रही हूँ कि मैं खुद दिल्ली में नहीं गई, लेकिन ये मैं दूसरों के थ्रू बोली हुई चीज़ें बता रही हूँ कि लोग, मैं दिल्ली में नहीं गई कभी भी, कभी मैं नहीं गई, तो मैंने पर जो सुना है उन लोगों की, मुझे ये सुना है कि वो लोग बहुत गाली देते हैं, वो लोग ट्रैफिक में रुक रुक के एक दूसरे को गाली देते हैं और ऐसी चीज़ें। लेकिन मैं अभी भी ऐसी सोचती हूँ कि मैं कभी गई नहीं, तो मुझे अभी पहले देखना पड़ेगा वहाँ जाके कि सच में ऐसा होता है क्या, और क्योंकि सिर्फ इंस्टाग्राम रील पे ऐसा आ जाए और लोगों ने बोल दिया वैसी बात सच भी नहीं होती, कुछ कुछ लोग पीसफुली भी ड्राइव कर रहे होते हैं, ऐसी चीज़ है। तो हो गई ना ये नेगेटिव मैंने थिंकिंग सोच ली, तो यही चीज़ है कि मैंने सोची नहीं, बट लोगों ने मुझे से, जो 2-3 लोगों ने मुझे से बोला, तो उन लोगों ने तो कई ओपिनियन सेट किया ना अपने माइंड में ये चीज़, और हम भी सोचते हैं तो वो भी गलत है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये कि लिविंग इन सिटी इज़ एक्सपेंसिव, यहाँ का जो है रेंट में सारे पैसे चले जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में चले जाते हैं। तो देखो यार ये बात सच भी है, बहुत सच है, क्योंकि इफ़ आई एम मूविंग टू अ सिटी, इफ़ आई एम मूविंग टू अ मेट्रो सिटी एंड नाउ देयर आई विल नॉट गेट द फ्लैट इजीली, अभी यहाँ पे मुझे, मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ मुझे मिल रहा है, ज़रूरी नहीं वहाँ मुझे उतने ही रेट में मिल जाएगा, मुझे प्रॉब्लम्स होगी स्टार्टिंग के ईयर्स में, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कुछ दिनों की बात होगी, स्टार्टिंग के जो ईयर्स होंगे मेरे स्ट्रगलिंग होंगे, बट या सो एक्सपेंसिव इस वे में कहा गया है बिकॉज वैन यू अर्न योर सेल्फ, वैन यू आर इंडिपेंडेंट पर्सन, फिर तुम अपने खुद के पैसों से फ्लैट ले रहे हो, फिर तुम खुद के जो है ट्रैवलिंग का खुद ही देख रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो तुम्हें चीज़ें थोड़ी स्ट्रगलिंग और एक्सपेंसिव लगेगी, बट ये चीज़ें तो मैं भी एग्री करती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने कोई भी चीज़ को ऐसे नहीं बोला कि
बहुत ही पर्टिकुलरली वो राइट भी है और कुछ कुछ चीजें मैं एग्री भी कर रही हूँ, तो मैंने अपने भी ओपिनियंस यहाँ पे शेयर किए हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में यही बताना चाहूंगी कि हाँ, इसमें ये भी लोग बहुत बोलते हैं कि पीपल लिविंग इन सिटी आर करप्ट एंड कनिंग। सो ऐसा नहीं है, देखो करप्शन ओवरऑल इंडिया में आप ऐसा नहीं बोल सकते एक जगह पे बहुत ज्यादा एक जगह पे बहुत कम है। ये तो देखो आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कितनी जगह करप्टेड है, कौन ज्यादा लोग कनिंग है, वो आपको मिलना पड़ेगा, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो आप ये एग्जाम्पल को सोच के अपने मन में मत बैठा लेने का ऐसी हर एक चीज सेम है कि नहीं। तो शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या सोचा जाता है, वो यही है कि रूरल पीपल आर सेट टू बी सुपरस्टिशियस, दे आर सेट टू बी डर्टी इग्नोरेंट, मतलब कि वो चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उनको टेक्नोलॉजी और कम ज्ञान है। एंड अर्बन पीपल आर सेट टू बी मनी माइंडेड, कनिंग, करप्ट एंड यू नो नॉट फ्रेंडली, ऐसा कहते हैं, ठीक है। एंड कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने कहा था, हमारा जो नेचर होता है, हमारा जो रहने का तरीका होता है, वो हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। तो अगर हम सोचते ना कि इस जगह के लोग बहुत बिजी हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, बोल्ड हैं, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, तो कभी कभी हम उस जगह में रह के वैसे बन जाते हैं। तो इसमें उस इंसान की भी कभी गलती नहीं होती है कि अब यार वो पहले बिंदास था, लेकिन अब उसको पता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, वो किसी जगह रह रहा है जहाँ इतनी कॉम्पिटिशन है, पीयर प्रेशर है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो उसको अपने आप को कुछ करके मतलब साबित करना है कि नहीं, कि वो कुछ चीज़ के काबिल है। तो कभी कभी नेचर है ना उस तरीके से भी ढलता जाता है कि आप ऐसी सिटी में रह रहे हो जहाँ पे सब भाग रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, कोई रुक नहीं रहा है। बॉम्बे की लाइफ देख लो, तो वहाँ अगर कोई आपसे बात भी नहीं कर रहा तो ज़रूरी नहीं कि वो इंसान इंडिविजुअली, पर्सनली, इंटेंशनली वैसा ही हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैंने पढ़ाया उसका बस यही सब बात था कि हम मान लेते हैं कि ये जैसे रूरल पीपल जो होते हैं, यही मैंने कहा था अभी बोलते हुए कि वो सुपरस्टिशियस होते हैं, वो डर्टी होते हैं, वो अपने आप का ध्यान नहीं रखते, साफ सफाई नहीं रखते, वो इग्नोरेंट होते हैं, मतलब चीज़ों को लेके ज़्यादा वो अवेयरनेस नहीं है उनके पास, ये मनी माइंडेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हर केस में गलत, वो हर केस में सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब इधर से हम पढ़ेंगे प्रिजोडाइज क्या होता है, ये एग्जाम्पल देख लिया। अब प्रिजोडाइज क्या है, जिसको इतना देर से सस्पेंस रखा था, वो हम जानते हैं। तो आपने इन दोनों एग्जाम्पल से क्या देखा, आपने देखा कि वेन आर ओपिनियंस अबाउट सर्टन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, सीइंग देम इज लेजी, कनिंग, स्टिंगी, एज सम ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में दिखाया, देन दीज बिकम प्रिजुडाइजेस दैट वी कैरी अबाउट देम। सो दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ प्रिजुडाइज, दिस इज डेफिनेशन। ये आपको ये समझाना चाहता है पैराग्राफ कि जब हम किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए, विलेजर्स के लिए, अर्बन पीपल के लिए, हम एक सेट ऑफ ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं कि दिस पीपल आर सुपरस्टिशियस, दे आर मनी माइंडेड, दे आर कनिंग, करप्ट एंड दे आर स्टिंगी, दे आर लेजी, यू नो ऑल सच थिंग्स, देन दीज आर द प्रिजुडाइजेस, these are the prejudices that we carry about these people, समझ आया। so prejudice का meaning क्या होता है, it means, यहाँ पे मैं कच्चे से आपको बता देती हूँ कि आपको ये जो definition है, okay, ये आपकी definition है, तो आपको उसको अलग से box में लिख देती हूँ so that you don't get confused, this is the definition, so क्या definition में, so prejudice means to judge other people negatively, as I've already told you, or to see them as inferior. What does inferior means? Inferior, superior, ये आपको word पता है? मेरा थोड़ा सा dominating nature है, example है नहीं, और तो मैं अपने आपको ऐसे मानती हूँ कि मैं कहीं भी जाऊँ तो लोग मुझे पूछे, मेरी बात सुने, वो किसी और की नहीं सुने बट वो मेरी बात सुने, और मेरे opinions बहुत कह सकते हैं फर्म है, वो इन लोगों को मानना पड़ेगा। तो मैं अपने आपको एक सुपीरियर पोजीशन दे देती हूँ, इस वजह से आई गिव माई सेल्फ अ पोजीशन विच इज सुपीरियर, एंड इन रिटर्न आई थिंक दैट ऑल दिस पीपल हु हैव टू लिसन टू मी आई कंसीडर देम एज इन्फीरियर, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं सुपीरियर हूँ तो सुपीरियर, तो अब जब इंसान अपने आपको सबसे ऊपर का ओहदा देगा खुद से ही, तो वो तो ये समझेगा ना कि एक ही बड़ा इंसान होना चाहिए, तो बाकी के लोग तो उसकी वो गुलामी कर रहे हैं, फिर वो तो इन्फीरियर ही हो क्योंकि उसकी बातें सुन रहे हैं, उसी की माने। तो ये हमारा नेचर कभी कभी बन जाता है ऐसे मन ही मन में, जब हम इन लोगों को देखते हैं नेगेटिवली तो वी थिंक दीज पीपल आर इन्फीरियर, ये छोटे लोग हैं, सुनते हो ना, ये कभी कभी ना बहुत एजुकेटेड लोग भी ऐसी बातें करते होंगे, ऐसा नहीं है कि ये है ना बहुत ही कम लोग बोलते होंगे जो इलिटरेट होंगे, ऐसा नहीं होता है। ये तो सोच सोच की बात है, पढ़ाई से इसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसका
एक एक फैक्टर हो सकता है पढ़ाई, लेकिन हमारा नेचर कैसा है, हमने कितनी दुनिया देखी, हम क्या सोचते हैं लोगों के लिए, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये सब उसी पर डिपेंड करता है. सो प्रेजेंटाइज व्हाट डज इट मीन्स, सो व्हेन यू आर बीइंग आस्क्ड टू राइट इन द एग्जाम, सो फर्स्ट यू राइट, यू कैन ऑल्सो गिव द एग्जाम्पल ऑफ अर्बन एंड रूरल पीपल, बट इन द प्रॉपर डेफिनेशन फॉर्म यू विल से दैट प्रेजेंटाइज मीन्स टू जज अदर पीपल, टू जज अदर पीपल, बिकॉज यू गिव योर सेल्फ अथॉरिटी ऑफ अ जज एंड यू जज दैट पर्सन, बट नॉट इन अ गुड वे, यू जज देम एज नेगेटिवली एंड ऑल्सो फॉर्म सर्टन ओपिनियंस, नेगेटिव ओपिनियंस एंड एटीट्यूड, एंड यू सी देम एज इन्फीरियर. समझ आ गया? सो वैन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे, ये प्रेजुडाइज का वन डेफिनेशन है, ये सेकेंड, मतलब डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट है ये पूरी डेफिनेशन का ही फर्स्ट पार्ट है ये सेकेंड. प्रेजुडाइज का मतलब ये भी होता है और ये भी इसके अंदर ही है. देखिए, when we think that only one particular way is the best way and the right way to do things, we often end up not respecting others and we may prefer to do things differently. तो हमें लगता है जब हम prejudices कैसे form करते हैं, जब हमें लगता है कि ये एक ही तरीका best है और ऐसा ही होना चाहिए, तो हम लोग अधिकतर उन लोगों को respect नहीं करते जो हमसे अलग चीजें कर रहे होंगे. Suppose एक gym trainer है और वो मानता है कि मैं जो हूँ, मेरा ये जो तरीका है ट्रेनिंग का, ये सबसे बेस्ट है एंड ये सबसे अलग है और ये ही सबसे अच्छा तरीका है. तो जो दूसरे जिम ट्रेनर्स होंगे, जिनके दूसरे जिम जो खुले होंगे दूसरी दूसरी जगह पे, वो क्या बोलेंगे, ये अच्छा नहीं है. तो वो उनके और भी चीज़ों में कमियाँ निकालने लगेंगे, इनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, ये ऐसे है, ये थोड़े से स्ट्रिक्ट नहीं है, ये स्ट्रिक्ट है, या फिर जो भी है. तो उससे क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं उससे, क्योंकि वो अलग तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका अलग वे है अपने स्टूडेंट्स को ट्रीट करने का, अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का. तो उसकी वजह से वो उनके लिए गलत सोच रहे हैं, इनको लगता है कि मेरा जो तरीका है वो बेस्ट है. और जब मैंने अपने आप को बेस्ट बोल दिया, अपने आप को सुपीरियर बोल दिया, तो मैं दूसरे को क्या समझूंगा, मैं दूसरे को इन्फीरियर समझूंगा और उसके कारण मैं उसको रिस्पेक्ट नहीं करूंगा. तो इस एक स्टोरी की तरह देखिए, इसको कैसे देखोगे, आपकी प्रेजुडाइजेस तब, जब हम तब फॉर्म करते हैं जब हम एक दूसरे लोगों को जज करते हैं कि ये इंसान जो है ना नेगेटिव है मेरे लिए, क्योंकि ये अलग है, सो मैं इसके लिए नेगेटिव सोचूंगी. फिर जब मैंने इसके लिए नेगेटिव सोचा, तो मतलब मैं इसको रिस्पेक्ट भी नहीं कर रही, क्योंकि अब मैं सुपीरियर बन गई, मैं अपने आप को सुपीरियर समझने लग गई. तो जब मैं अपने आप को सुपीरियर समझूंगी, तो मैं उसे इन्फीरियर समझूंगी. ये पहला पार्ट हो गया. दूसरा, मुझे लगेगा कि क्योंकि मैं सुपीरियर हूँ, मेरा जो तरीका है, मेरा जो सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका, वो सबसे बेस्ट है और उसका गलत है. तो तब हम क्या फॉर्म करते हैं, प्रेजुडाइज फॉर्म करते हैं. आपको समझ आया डेफिनेशन, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है. मेरे एंड पे मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है. अब आप इसे देखिए अच्छे से एंड देन हम इसका एग्जांपल पढ़ेंगे. इसका एग्जांपल जो है सेकंड वाले पॉइंट का, उसका हम वो देखेंगे. तो अभी जो मैंने पॉइंट बोला था प्रेजुडाइज का, उसका एग्जांपल है कि इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आरंट इम्पॉर्टेंट. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं एंड सो इन दिस केस वी आर जजिंग दीज अदर पीपल नेगेटिवली, जो इंग्लिश नहीं बोल रहे है ना, एंड एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट अदर पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश. इसका यही मतलब है, बहुत सिंपल सी भाषा में लिखा है कि हमें लगता है कि इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड द पीपल हु स्पीक इंग्लिश they are the best people, you know, they are literate, they are good looking, they are everything. ऐसा क्या है जो बहुत लोग सोचते हैं, ऐसा आज भी सोचते हैं. But if suddenly if I start speaking in my mother tongue now, तो you will form some people, you know, right there will form certain prejudice कि यार दिखने में तो ऐसा नहीं लग रहा था, अब जैसे ही उन्होंने बोलना स्टार्ट किया मुझे कुछ हजम नहीं हुई ये बात. तो ऐसा ही होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमें लगता है कि इंग्लिश जो है, सपोज कोई भी लैंग्वेज ये जो है बेस्ट है, तो हम क्या करते हैं कि इससे हम इस इंग्लिश को सुपीरियरिटी दे रहे हैं, हम इस इंग्लिश को अथॉरिटी दे रहे हैं कि तू सबसे बेस्ट है भाई, और उसके अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस हमने उनको इन्फीरियर कंसिडर किया, तो उन लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों को हम क्या करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं. क्योंकि भाई जो और लैंग्वेजेस हैं, उनकी खुद की कल्चरल हिस्ट्री है, उनकी खुद के इम्पोर्टेंस है और बहुत वो उन लोगों के लिए बहुत अहमियत रखती है. तो हमने क्या किया, जैसे उन लैंग्वेजेस को इन्फीरियर समझा, तो हम उन लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है. तो प्रेजुडाइज, तो शॉर्ट में ये बता दूंगी, प्रेजुडाइज का मतलब जो कि एक फ्लो चार्ट के थ्रू बता देती हूँ, उसका मतलब होता है कि हम नेगेटिव ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है. जब हम नेगेटिव ओपिनियन एटीट्यूड फॉर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है, नेगेटिव ओपिनियन फॉर्म करने से एक तो हम उनको क्या समझ लेते हैं, इन्फीरियर समझ लेते हैं, उन लोगों को इन्फीरियर समझ लेते हैं, खुद को सुपीरियर समझ लेते हैं, और उसी के साथ हम उनको क्या करते हैं, वी एंड अप डिसरिस्पेक्टिंग देम द पीपल.
वी एंड डिस रिस्पेक्टिंग ठीक है समझ आ रहा है ये आपको. चलो बढ़िया ठीक है. प्रिजोटाइज जो है हम तभी नहीं फॉर्म करते हैं, जैसे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज एग्जांपल दिया, हम तब भी फॉर्म कर लेते हैं लोगों के लिए कि जैसे लोगों के फिजिकल अपीयरेंस को देख के फॉर्म कर लेते हैं, उनके स्किन का कलर देख के फॉर्म कर लेते हैं, वो कौन से रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, वो कौन से रीजन से आ रहे हैं, आपको इतना सब समझ आता है ठीक है. कि हम आज भी मन में ये सोच लेते हैं और कभी कभी देखो सोचना ठीक है, आप अपने सोच रहे हो ओके नेचुरली आपके मन में थॉट आया, लेकिन आप उसको बढ़ने मत दो ना, आप इतने नेगेटिवली मत सोचने लग जाओ कि आप फिर उनसे दोस्ती ना करो लोगों से. और कभी कभी कुछ लोग ऐसा करते भी हैं कि वो ये सब कारणों की वजह से छोटे से, मतलब ये छोटे ही कहे तो बहुत ही आई वुड से कि इम्पॉसिबल रीजन है कि ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसा होता है. तो हम इन बेसिस पे लोगों से दोस्ती नहीं करते और उसके कारण क्या होता है कि हम उनसे नफरत करने लग जाते हैं. तो इसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट उन लोगों पर पड़ता है. ना ही सब, ना ही सिर्फ हम उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लाइफ टाइम ट्रॉमा ये रह जाता है मन में कि ये मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट्स हुआ था. तो मैं बस यही कहूँगी कि आई होप आपको प्रिजोटाइज समझ आ गया और आप खुद पर्सनली ये चीज़ इम्प्लीमेंट कीजिए खुद पे कि हम लोग क्या अर्बन और रूरल लोगों के लिए क्या प्रिजोटाइजेस फॉर्म करते हैं. और आप खुद शांति से सोचिएगा कि ये सही है कि गलत ठीक है. तो इसी के साथ वीडियो लेक्चर जो है ये एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक स्टीरियोटाइप्स. तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड ऑल्सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज. एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू सो मच.